नमस्कार राम राम, आप देख रहे हैं गुरुग्राम प्लस। मैं आपके साथ सोनी तहलान और फिलहाल हम मौजूद हैं गुरुग्राम के भुंसी के पास डिफेंस कॉलोनी में, जहां पर आप देख सकते हैं कि डीटीपी आरएस भट्ट, जो कि गुरुग्राम में ही नहीं हरियाणा में ही हमेशा ही तोड़ फोड़ के लिए चर्चित रहे हैं, अवैध कॉलोनियाँ अवैध मकानों को हटाने के लिए वो हमेशा ही चर्चा में बने रहते हैं। लगातार वो अपने गुरुग्राम में जो है पीला पंजा चलाते हुए अवैध कॉलोनियों को हटाने का काम करते रहते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर तोड़ फोड़ जारी है। यहाँ पर पूरी आरएस भट्ट की जो टीम है वो है, भारी पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है। इसके बाद भी जो बिल्डर हैं वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे, लगातार वो अवैध कॉलोनियाँ और अवैध मकान जो है काटते रहते हैं। फिलहाल यहाँ पर तोड़फोड़ जारी है। आरएस भट्ट की जो है टीम, डीटीपी आरएस भट्ट की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। जिस तरह से आप देख सकते हैं पूरा नज़ारा, यहाँ पर जो डिफेंस कॉलोनी है वहाँ पर फिलहाल हम मौजूद हैं और यहाँ पर तोड़फोड़ जारी है। आरएस भट्ट से जो है हम डीटीपी आरएस भट्ट से हम बात करेंगे, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर किस तरह से आगे की उनकी जो योजना है वो रहेगी, किस तरह से वो बिल्डरों पर जो है शिकंजा कसने की अपनी कोशिश जारी रखेंगे और आगे वो कहां पर किस तरह से तोड़फोड़ करेंगे, किन किन अवैध कॉलोनियों को वो हटाने की अपनी कोशिश जारी रखेंगे, क्योंकि लगातार वो अवैध कॉलोनियों और अवैध मकानों को हटाने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। फिलहाल हम उनसे बात करेंगे, तो चलिए जानते हैं डीटीपी आरएस भट्ट से। सर, लगातार जिस तरह से आप अपनी तोड़फोड़ जारी रखे हुए हैं, फिर भी बिल्डर जो है बाज नहीं आ रहे, तो इस पर आपका क्या कहना है? ऐसे बिल्डर बिल्कुल बाज आ रहे हैं। हमने काफ़ी कार्रवाई की है, लगभग एक साल से हम कार्रवाई बहुत सख्ती से कर रहे हैं। आज भी आपने देखा होगा, हमने एटलीस्ट 15-20 मकान दुकानें जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो सब गिरा रहे हैं। लोगों के पास बहुत क्लियर मैसेज है कि सरकार बिल्कुल भी अवैध कॉलोनियों को बर्दाश्त नहीं करेगी और ना ही कोई नई कॉलोनी हम पनपने देंगे। जो अंडर कंस्ट्रक्शन है सब टूटेंगे। तो जिस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर मकान भी है, तो जिन लोगों को पता नहीं है कि अवैध कॉलोनी है, उनको झांसे में लेकर जो है उनको एक तरह से बिल्डर जो है फंसाते हैं, तो उन पर आपका क्या कहना है? ऐसे मेरा यही मानना है कि जी गरीब बंदा फंसता है, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जी जितने भी लोग हैं वो हमारे से आकर पूछें कि कहाँ पर अवैध है कहाँ पर लीगल है, हम उनको गाइड करेंगे और बिल्डर के अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो क्या सरकार जो गरीब लोग हैं उनका कुछ हल निकालेगी इसके लिए? ऐसे सरकार कभी भी गरीब लोगों के अगेंस्ट नहीं है। हम जो भी बेस्ट पॉसिबल है गरीब लोगों के लिए करने के लिए, दीनदयाल जनआवास योजना लेकर आए हैं, अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग पॉलिसीज लेकर आए हैं, और भी पॉलिसीज, सरकार हमेशा ओपन माइंडेड है गरीब बंदे की सपोर्ट करने के लिए। लेकिन ये गरीब, ये बिल्डरों के झांसे में ना आए, यही मैं आपके माध्यम से सब लोगों को कहना चाहूँगा। इस तरह से फिलहाल आप डिफेंस कॉलोनी में जो है तोड़फोड़ कर रहे हैं, इससे आगे आपकी क्या योजना है, क्या और भी कहीं पर आप जाने वाले? ऐसे ये अभी कार्रवाई हमने 3-4 दिन से कंटिन्यू की है। फारूक नगर में 5 कॉलोनीज की थी, अभी डीएलए फेज 2 में की है, और अभी हम रिठौज रोड पर, दमदमा रोड पर भी किया, आज डिफेंस एनक्लेव भी कर रहे हैं, और भी ये कार्रवाई जारी रहेगी अगले 10-15 दिन। फिलहाल हमने बात करी थी डीटीपी आरएस भट्ट से, लगातार वो अपनी तोड़फोड़ को जारी रखे हुए हैं। हमारे पीछे भी फिलहाल जो जेसीबी है वो लगातार तोड़फोड़ करने पर लगी हुई है, वो अपनी टीम के साथ यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने बताया कि किस तरह से वो लगातार अवैध कॉलोनियों पर जो है रोक लगाने की अपनी कोशिश को और भी आगे जारी रखेंगे, और जब तक बिल्डर कहीं तक तो बाज आए हैं, लेकिन फिर भी डीटीपी आरएस भट्ट का कहना है कि अभी वो अपनी कार्रवाई 10-15 दिन तक और जारी रखेंगे और अवैध कॉलोनियों को हटाने की कोशिश पर लगे हुए हैं। उनका कहना है कि वो गरीब लोगों को कभी ठेस नहीं पहुंचाना चाहते और सरकार भी गरीब लोगों के हित में है, लेकिन उनको पहले पूछना चाहिए क्या ये कॉलोनियाँ वैध हैं या नहीं है, उसके बाद ही कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। जुड़े रहिए गुरुग्राम प्लस के साथ, मैं आपके साथ सोनी तहलान, नमस्कार, धन्यवाद। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस, और Facebook और Instagram पर फॉलो करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और WhatsApp भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 9643107600।